हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे अमाइंस को बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर करेंगे। प्राइमरी अमाइंस कैन प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। किसके ऑक्साइम्स? एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहां पे क्या करेंगे? प्राइमरी अमाइंस कैन प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्राइमरी अमाइंस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसका? रिडक्शन करके ऑक्साइम्स का, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। ऑक्साइम किस तरह से हमें मिलते हैं, किस तरह से ऑब्टेंड होते हैं? यहां पर हम लेते हैं एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड है। यहां पर हम ऐड करते हैं, रिएक्ट करता है कौन? हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन तो किसकी प्रिपरेशन होती है? आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच। किसकी प्रिपरेशन होती है? एल्डोक्साइन की। ये क्या है? एल्डोक्साइन है। एल्डोक्साइन। इसी तरह से क्या हो जाएगा? कीटोन्स की। यहाँ पे क्या लिया हमने? कीटोन लिया है। ये क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन है। तो जब कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो प्रिपरेशन होती है ऑक्साइम्स की, एल्डिहाइड के और कीटोन्स के। यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है, तो प्रिपरेशन हुई है एल्डोक्साइन की। और यहाँ पर कीटोन लिया है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो किसकी प्रिपरेशन होगी? दैट इज कीटोक्साइन की। आर आर डबल बॉन्ड एन ओ एच। इस तरह से किसकी फॉर्मेशन हो गई? ये कीटोक्साइम की। अब हमें क्या करना है? इन ऑक्साइम्स का यूज करके, इन दोनों का रिडक्शन करके प्रिपेयर करेंगे हम किसको? प्राइमरी अमाइन को। यहाँ पर हम ले लेते हैं R, पहले एल्डोक्साइम हम ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O N O H। तो ये क्या है हमारा? एल्डोक्साइम है। एल्डोक्साइम, इसका रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं दो रिएजेंट्स को, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। LiLH4 और ईथर, इसका भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर सोडियम और एल्कोहल, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएजेंट्स हैं, किसी का भी हम यूज करके रिडक्शन कर सकते हैं ऑक्साइम्स का और प्रिपरेशन कर सकते हैं प्राइमरी अमाइंस की। तो रिएजेंट्स क्या है यहाँ पर? इसका भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर सोडियम एंड एल्कोहल का भी हम यूज कर सकते हैं, 2H5। तो क्या ऑब्टेन होंगे एल्डोक्साइम से? प्राइमरी अमाइन, दैट इज आर सी एच टू एंड देन NH2। ये क्या है? प्राइमरी अमाइन है। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। चलो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। क्या नाम है इसका? एसीट एल्डोक्साइम। एसीट एल्डोक्साइम, इसका रिडक्शन करेंगे तो रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं हम ये LiLH4, ईथर, सेकेंडली सोडियम एंड एल्कोहल C2H5OH। तो प्रिपरेशन किसकी होगी? प्राइमरी अमाइन की। तो कौन सा अमाइन बनेगा यहाँ पर? देखो CH3CH2NH2। क्या नाम है इसका? मिथ इथ इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। इसी तरह से हम कीटोक्साइम को भी ले सकते हैं यहाँ पर, आर सी आर डबल बॉन्ड एन ओ एच। ये क्या है? कीटोक्साइम है। इसका हम रिडक्शन कर सकते हैं और प्रिपेयर करेंगे किसको? प्राइमरी अमाइन को। LiLH4 ईथर, सेकेंडली सोडियम एंड C2H5OH।
और प्रिपरेशन किसकी होगी? प्राइमरी अमाइन की. आर सी आर सी डबल बो सी एच एंड एन एच टू. इस तरह से क्या हो जाएगी? प्रिपरेशन हो जाएगी प्राइमरी अमाइन की, था किटोक्साइन, और ये क्या है? प्राइमरी अमाइन है. इस तरह से हो जाएगा. तो एग्जांपल ले सकते हैं हम किटोक्साइन का. चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको. तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड NOH CH3. इस तरह से हो जाएगा. क्या नाम है इसका बताओ? एसीट ऑक्साइन. एसीट ऑक्साइन. इसका रिडक्शन करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे किसका? LiLH4 ईथर और सोडियम, या फिर एल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज C2H5OH. तो किसकी प्रिपरेशन होगी? एसीटोक्साइम से प्राइमरी अमाइन की. CH3 H and NH2. इस तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी. क्या नाम होगा इसका? मिथ इथ प्रॉप, दैट इज आइसो प्रोपाइल अमाइन. क्या है ये? प्राइमरी अमाइन है. किसकी प्रिपरेशन होगी? प्राइमरी अमाइंस की. तो हमने क्या किया? किटोक्साइम लिए, एल्डोक्साइम लिए, उन दोनों का क्या किया? रिडक्शन किया और प्रिपेयर किया किसको? प्राइमरी अमाइंस को. और रिएजेंट्स कौन से यूज की? LiLH4 ईथर या फिर सोडियम और एल्कोहल. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने प्रिपेयर किया किसको? अमाइंस को, बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है.